एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम है अभिनव और ये है दी लेटेस्ट एंड ब्रांड न्यू STS40R होम थिएटर सिस्टम फ्रॉम सोनी। ये एक रियल 5.1 चैनल सराउंड साउंड सिस्टम है विद डॉल्बी ऑडियो। टोटल RMS या पोटेंशियल आउटपुट इज 600 वॉट और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस सिनेमेटिक सराउंड साउंड, वो भी अंडर 30,000। अमेजिंग ना। और भी बहुत कुछ है, जितने भी लेटेस्ट एसेंशियल और कुछ यूनिक फीचर्स सभी हैं इसके अंदर, लाइक डॉल्बी ऑडियो फॉर ट्रूली ड्रामेटिकली हाई क्वालिटी सराउंड साउंड, ब्लूटूथ 5.0 जिसके साथ आप वायरलेस कनेक्शन बना सकते हैं सोनी ब्राविया टीवी और इसके बीच बाकी जितने भी टीवी हैं जिसमें आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है उनके साथ भी, HDMI, ARC पोर्ट, एनालॉग पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, USB पोर्ट और काफी सारे फीचर्स ऐसे जो वीडियो में आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। अब एक्सपीरियंस मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये 10 दिन का पावर पैक रिव्यू है और इस टाइप का वीडियो आपने आज तक देखा ही नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो अनबॉक्स करते हैं और हाँ, 10 दिन बाद रिपैक किया है फिर से। सबसे ऊपर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्लस वारंटी कार्ड, ऑफ कोर्स 1 ईयर वारंटी, कुछ पेपर वर्क जिसमें सबसे पहले सोनी सर्विस सेंटर्स की लिस्ट, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, प्रोडक्ट मैनुअल, वॉल माउंट टेम्पलेट, क्या बात है, स्टार्टअप गाइड, बड़े बड़े पेपर वर्क, 2 मीटर लॉन्ग HDMI केबल, सोनी ऑडियो का ट्रेडिशनल पैटर्न रिमोट, एकदम मुफ्त 2 सोनी AAA बैटरीज, 2 पावर केबल, सोनी STS40R साउंड बार, आई लाइक इट, 2 सराउंड रियर स्पीकर्स, वायर लेंथ 10 मीटर, रियर स्पीकर्स के लिए वायरलेस एम्पलीफायर और ये अपनी मेन यूनिट इक्विप्ड विद हैवी सबवूफर, अगेन आई लाइक इट एंड दैट्स ऑल योर ओनर। सेटअप के लिए कंप्लीट स्टूडियो को कंप्लीट बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है, लेट्स हैव अ लुक। तो सोनी S40R कम्स विद वर्सेटाइल 2-way डिजाइन। सिंपल वर्ड्स में, या तो आप इसको टेबल टॉप कर सकते हो या वॉल माउंट कर सकते हो, हम टेबल टॉप करेंगे। और जो सेटअप है इट जस्ट सिंपल एज टेकिंग अ सिप ऑफ जूस, एप्पल जूस, गलत मत समझना। तो जितनी भी कनेक्टिंग वायर से ये आती है कलर कोडेड कनेक्टर्स के साथ और सेम कलर कोडेड पोर्ट्स आपको मेन यूनिट यानी कि सबवूफर में और रियर स्पीकर एम्पलीफायर में मिल जाते हैं। सोनी S40R के साथ 2 पावर केबल आती है, एक मेन यूनिट के लिए और दूसरी रियर स्पीकर एम्पलीफायर के लिए। सेटअप अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आपने अपने S40R को ऑडियो इनपुट देना है। ऑप्शंस इसमें काफी सारे हैं। मेरे पास जो टीवी है ये सपोर्ट करता है HDMI ARC को, तो यहाँ पे HDMI केबल के साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका टीवी HDMI ARC सपोर्ट नहीं करता तो आप ऑप्टिकल साउंड पोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे एनालॉग इनपुट, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्स इनपुट भी काम करती है और इस साउंड बार के साथ आपको ब्लूटूथ की सपोर्टेबिलिटी भी मिलती है। तो अगर आपके टीवी या जिस डिवाइस पे आप इसको यूज करना चाहते हो वो ब्लूटूथ कंपेटेबल है तो आप वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो, वायर्स थोड़ी और कम हो जाएंगी। इसका डिजाइन काफी ज्यादा स्लिम एंड प्रीमियम है, एकदम फ्रेश गर्मा गर्म डिजाइन फ्रॉम सोनी, हमेशा की तरह क्लीन लुक्स, हैवी ड्यूटी बिल्ड एंड वी ऑल नो सोनी का मतलब प्रीमियम। साउंड बार के टॉप पे आपको मेटलिक फिनिश मिलती है, वैसे तो ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा फाइन है, प्रीमियम प्लास्टिक है, लेकिन यहाँ पे जो मेटलिक फिनिश है वो इसके लुक्स को और ज्यादा एनहेंस कर देता है। और यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे आपको सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्रंट पे आपको 3 स्पीकर्स मिलते हैं, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, और जो सबवूफर का एनक्लोजर है ये आता है MDF बिल्ड के साथ। फ्रंट कंसोल पे आपको ABS प्लास्टिक मिलती है जो कि काफी फाइन क्वालिटी की है और रियर साइड पे आपको जो पोर्ट्स का इंटरफेस मिल रहा है वो भी ABS प्लास्टिक का ही है। और सबवूफर मैश के जस्ट ऊपर ही आपको एक व्हाइट कलर की LED डिस्प्ले मिलती है, जो भी आप फंक्शंस इस पे यूज करने वाले हो या फिर अपने रिमोट कंट्रोल से जो भी फीचर्स एक्सेस करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जो रियर स्पीकर एम्पलीफायर है इट्स लुक लाइक ए सेट टॉप बॉक्स, ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का और जो बेस है वो मेटलिक मिलता है। जो रियर स्पीकर्स हैं अगेन सेम मेटलिक फिनिश के साथ आते हैं जो आपको साउंड बार पे मिलती है, ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का है, कॉम्पैक्ट, एलिगेंट बट पावरफुल। तो S40R को फर्स्ट टाइम बूट करते हैं, जस्ट आपने टच पैनल या रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ऑन कर लेना है। टीवी के HDMI ARC पोर्ट के साथ हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। बेस्ट पार्ट इज S40R HDMI CEC को भी सपोर्ट करता है
जिन लोगों को नहीं पता, HDMI CEC का मतलब ये है कि आप अपने टीवी रिमोट कंट्रोल से ही इसकी वॉल्यूम को अप डाउन या फिर इसको स्टैंड बाई मोड और पावर ऑन कर सकते हैं। और जो रियर स्पीकर्स है वो भी आपको फर्स्ट टाइम लिंक करने पड़ेंगे, जस्ट आपने एम्पलीफायर पे पावर बटन प्रेस करना है और उसके जस्ट साइड में आपको एक लिंक बटन मिलेगा, उसको प्रेस करने के बाद जो आपका मेन यूनिट है और जो रियर स्पीकर्स एम्पलीफायर है इनके बीच एक वायरलेस कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, सिंपल। और रियर स्पीकर्स के लिंक होने के बाद ये बन जाता है 5.1 चैनल रियल सराउंड साउंड सिस्टम, जिसकी टोटल RMS आउटपुट है 600 वोल्ट। That means ये काफी ज्यादा लाउड होने वाला है। सोनी S40R काफी ज्यादा फीचर्स के साथ लोडेड है, एक्चुअली ओवरलोडेड है, और उन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए ये रिमोट काम में आएगा। हालांकि ये दिखने में स्लिम नहीं है लेकिन काफी कॉम्पैक्ट है। स्टार्ट करते हैं बेसिक फीचर्स के साथ और फिर आते हैं इसके मेन फीचर्स पे। तो रिमोट पे आपको पावर बटन, इनपुट की जहां से आप सोर्स कनेक्ट करोगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन 0 to 100 तक की रेंज मिलती है, सबवूफर वॉल्यूम जो कि 0 to 12 की रेंज में आप सेलेक्ट कर सकते हो, 0 पे सबवूफर बिल्कुल बंद हो जाता है और 12 मैक्सिमम, म्यूट बटन, उसके जस्ट नीचे डिमर बटन। तो जो डिमर बटन है वो इसकी LED डिस्प्ले के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले चुभने लगती है आंखों में, तो आप डिमर की हेल्प से डिस्प्ले को काफी डिम कर सकते हो। उसके बाद मेन्यू बैक, एंटर, नेविगेशन की अप एंड डाउन के लिए, और यहाँ पे नेक्स्ट, प्रीवियस एंड पॉज एंड प्ले बटन। अब जो सारा राज छिपा है सोनी S40R होम थिएटर सिस्टम का वो मेन्यू सेक्शन के अंदर, और जो यहाँ पे मैंने 5 साउंड मोड स्किप किए हैं इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो इसको अब साथ में एक्सपीरियंस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी बहुत ज्यादा क्लोज एक्सपीरियंस में इसको करा पाऊं और कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि आप समझ पाओ कि किस तरीके की ऑडियो क्वालिटी ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। और हाँ, जितने भी ऑडियो सैंपल्स मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, इनकी ओरिजिनल यानी कि रॉ फाइल को मैं जी ड्राइव पे अपलोड करूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो मैं आ चुका हूं अपने कंफर्ट जोन में, और इसके पीछे रीजन ये है कि जितना कंफर्टेबली मैं कंटेंट एंजॉय करूंगा उतना ही बेटर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, और हर कोई इसी तरीके से एक्सपीरियंस करता है, तो बेटर है ना कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो सामने की तरफ टीवी के जस्ट आगे टेबल पर साउंड बार रखा है और जो रियर स्पीकर्स है वो बेड की दोनों साइड्स पे। तो मैं क्यूरियस था कि क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि जहां पे आप डिस्टेंस सेलेक्ट कर पाओ, क्योंकि जब सराउंड साउंड इफेक्ट की बात आती है तो डिस्टेंस मैटर करता है। तो चलते हैं मेन्यू सेक्शन के अंदर, यहां पे स्पीकर्स की सेटिंग्स में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको मल्टी स्पीकर्स। तो रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ही आप रियर स्पीकर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन हम बात डिस्टेंस की कर रहे थे क्योंकि सराउंड साउंड इफेक्ट चाहिए तो डिस्टेंस यहाँ पे वेरी करने का ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो है सराउंड लेफ्ट स्पीकर, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है सराउंड राइट स्पीकर के डिस्टेंस के लिए, जिसको आप 3 फीट से लेके 20 फीट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने 10 फीट यहाँ पे सेट कर लिया है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज जो डिस्टेंस की यूनिट है आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीटर या फीट में सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मुझे अमेजिंग सेटिंग मिली जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे था कि रियर स्पीकर्स की जो वॉल्यूम है ये अपने अकॉर्डिंग सेट करता होगा, लेकिन आप इसको -6 to +6 की रेंज में सेलेक्ट कर सकते हो, और मैंने +6 कर दी क्योंकि मुझे हाई रेंज सुनने में बड़ा मजा आता है। और हाँ, दोनों स्पीकर्स की आप अलग अलग वॉल्यूम सेट कर सकते हो। अब मेन्यू के अंदर आपको ऑडियो सेक्शन मिलता है जहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सबसे पहली है यहाँ पे DRC, जिसका मीनिंग है डायनामिक रेंज कंप्रेशन। तो ये वहां पे काम आएगा कि कुछ कॉन्टेंट में होता है कि बहुत धीमे धीमे आवाज आती है और बहुत हैवी या लाउड बेस होती है, लाउड मतलब म्यूजिक होता है, आप चाहते हो कि वो कंप्रेस हो जाए लेकिन जो डायलॉग्स हैं, वोकल्स हैं, वो आपको सुनाई दे, तो यहाँ पे DRC आप ऑन कर सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको ऑफ ही रखो, जब ऐसे सिचुएशन आए कि आपको जरूरत है तभी ऑन करो। और हाँ, सोनी HD S40R में आपको S-Master डिजिटल एम्पलीफायर मिलता है। अब आप कहोगे क्या क्या बता रहा है यार तू, तो सिंपल वर्ड्स में जो यहाँ पे S-Master डिजिटल एम्पलीफायर है ये जो ऑडियो क्वालिटी है उसको हाई रिजोल्यूशन में प्रोड्यूस करता है और नॉइस रिडक्शन के साथ एक्यूरेट साउंड रिप्रोडक्शन करता है। अभी भी समझ नहीं आया तो अब आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 साउंड मोड है जिसके साथ आपको एक ऑटो साउंड का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इसको ऑटो पे रखते हो तो ये खुद से जज करता है, लेकिन अगर आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस चाहिए तो साउंड मोड यूज करना पड़ता है। तो लेट्स सी कि किस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस इसके साथ आता है। सिनेमा मोड सेलेक्ट करते हैं और एक ट्रेलर देखते हैं, बाहुबली का ट्रेलर है। एक क्या रहे हो कुमार वर्मा, ये पिंडारी है, सबको सावधान करो।
दिस इज अमेजिंग। मतलब ऐसा फील होता है कि जो साउंड है वो आपके ऑल अराउंड ट्रेवल कर रही है, और बेस सच में मतलब आपको फील होगी कि पूरे रूम में ट्रेवल कर रही है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसा फील हो रहा था मतलब जब है ना इसमें बेस आ रही थी कि बेड के नीचे से बेस निकली और पीछे से ऐसे जंप कर रही है। प्योरली ड्रामेटिक एक्सपीरियंस, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, जो आपको थिएटर्स में एक्सपीरियंस मिलता है उससे कहीं ज्यादा बेटर आपको होम थिएटर पे मिल रहा है। अब म्यूजिक मोड सेलेक्ट करके कुछ गाने वाने प्ले करते हैं, लेट्स सी कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। अगेन मतलब इसके म्यूजिक मोड ने मेरा माइंड ही ब्लो कर दिया। आप मेरे चेहरे पे खुशी देख पा रहे होंगे। रीजन ये है कि जब हम कोई चीज अलग एक्सपीरियंस करते हैं और वो दिल को छू जाए तो एक अलग ही खुशी मिलती है, और इसके म्यूजिक मोड के साथ जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा एनहेंस हो जाती है। साउंड में आपको रिचनेस और विविडनेस भी मिलती है, और जो ईच एंड एवरी डिटेल है, चाहे वो बैकग्राउंड में एक हल्का सा म्यूजिक भी है, कोई स्नेयर है, फ्लूट बज रही है, वो आपको एक एक चीज इतनी डीपली सुनाई देती है, और हर चीज इतनी बैलेंस। मतलब इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर भी अगर किया जाए तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद एक वॉइस मोड है। काफी सारे ड्रामेटिक सीरियल्स आप देखते हो या न्यूज चैनल्स देखते हो जहां पे कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा हाई ये कर देते हैं, तो वॉइस मोड सेलेक्ट करने के बाद क्या एक्सपीरियंस मिलता है, लेट्स सी। 28 सितंबर को कन्हैया कुमार लेफ्ट से नाता तोड़कर कांग्रेस से जुड़ेंगे, इसका ऐलान हो चुका था। कांग्रेस को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित, और वॉइस मोड भी परफेक्टली तरीके से काम करता है, जिस तरीके से सोनी ने क्लेम किया है। अगर आप रियलिटी शोज देखते हो या सीरियल्स देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा है, आप चाहते हो जो वहां पे डायलॉग्स है, वोकल्स है, वो आपको एकदम क्लियर सुनाई दे, तो वॉइस मोड के साथ आप जा सकते हो। एट लास्ट नाइट मोड रात के लिए है, अगर आप चाहते हो कि जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो इतना बैलेंस हो जाए और जो लाउडनेस है वो भी खत्म हो जाए लेकिन कोई वर्ड मिस ना हो, तो नाइट मोड सेलेक्ट करो। करते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है। खुले। कैसा लगा? हाँ एकदम चकास। तो आपके नाटक में मेरा रोल पक्का अनुभव है। हाँ ठीक है, चल अब ये भाड़े के कपड़े उतार। भाड़े का? हाँ तो नाटक में तेरा काम खाली इतना है, तू हीरो का बाप है। बाप मन जो मर चुका है। तो नाइट मोड को मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करता है। लो वॉल्यूम को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर देता है कि आपको ईच एंड एवरी डायलॉग, म्यूजिक, बेस, हर चीज ऐसे सुनती है कि कुछ भी मिस नहीं हो पाता, और आपके सराउंडिंग्स में चाहे आपके वो अपार्टमेंट वाले पड़ोसी हो या फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो एट लास्ट 5.1 प्लस डॉल्बी ऑडियो कंटेंट प्ले करते हैं, जहां पे एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंस आएगा या नहीं वो भी पता चलेगा, क्योंकि इस होम थिएटर की खास बात यह है कि ये नॉर्मल 2.1 चैनल वाले ऑडियो कंटेंट को भी अपस्केल कर देता है 5.1 सराउंड में, और अगर रियल 5.1 हम प्ले करें तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेट्स सी। मेरे स्कूटर को ना रोको ना टोको। मतलब नो वर्ड्स यार, डिफरेंस है जो 2.1 को अपस्केल कर रहा है और जो रियल 5.1 है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एकदम ब्रीथ टेकिंग एक्सपीरियंस, एक एक चीज आपको ऐसे सुनाई देती है, मतलब अगर इधर से गोली चल रही है तो आपको लेफ्ट साइड से ही ऑडियो आने वाली है, राइट साइड पे लग रही है तो राइट साइड के स्पीकर से सेंटर, मतलब एक अलग ही ओरा क्रिएट हो जाता है। दिस इज रियली अमेजिंग इवन ऑन 100% वॉल्यूम। मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट है कि 100% वॉल्यूम होने के बाद कई बार क्या होता है, ऑडियो थोड़ी बहुत डिस्टोर्टेड हो जाती है, थोड़ी बहुत पिच और हर चीज चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना बैलेंस्ड था। मतलब जो फील आपको 10% वॉल्यूम पे आ रहा है वही 100% वॉल्यूम पे। एंड फाइनली अगर कंक्लूजन पे आए तो लिटरली ये एक रियल 5.1 डॉल्बी ऑडियो साउंड सिस्टम है, रियल 5.1, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, और यहाँ पे वायरलेस स्पीकर्स जैसा फीचर 30,000 की रेंज के अंदर, और इसकी साउंड क्वालिटी रियली मीन करती है कि इसका जो पोटेंशियल आउटपुट है वो 600 वोट है। ये होम थिएटर हर एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है, मतलब आपके घर में बड़े बूढ़े बच्चे सब एक साथ कंटेंट इस पे एंजॉय कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो ये 2.1 चैनल की ऑडियो को अपस्केल करके 5.1 में आपको प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जब आप OTT प्लेटफॉर्म से 5.1 चैनल का कंटेंट कंज्यूम करते हो
तब जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा अमेजिंग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप म्यूजिक एंड मूवीज इंजॉय करते हो तो इस होम थिएटर के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो टोटली चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी भी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम हैंडल पे तो पूछ ही सकते हो, या फिर 101 भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कंसल्टेंसी का लिंक दिया है, जाके फॉर्म फिल करो, मैं 101 आपसे इंटरेक्ट करूंगा फोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी। इसकी अवेलेबिलिटी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह है। ऑनलाइन वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो, बाकी ऑफलाइन स्टोर्स पे भी आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक अलग सा वीडियो था तो सब्सक्राइब तो बनता है। Oh,